हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। सो व्हाट आर एल्डिहाइड्स? एल्डिहाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर रिप्रेजेंटेड बाय आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड दे कंटेन डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच एज अ फंक्शनल ग्रुप और समटाइम इट इज ऑल्सो रिटर्न एज डैश सी एच ओ। सो दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एल्डिहाइड। नाउ विल सी द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। So first of all, we'll see the common names. Now the common names of aldehydes are derived from the common names of carboxylic acids. So last time we have seen the common name and IUPAC name of carboxylic acid. अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो kindly watch that video. Then and then you will able to guess the common names of the aldehyde. तो सबसे पहला जो मेंबर है हमारे पास उसको कॉमन नेम में बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इट इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड कंटेनिंग ओनली वन कार्बन एटम इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड। इफ देर आर टू कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड एज एसिटाल्डिहाइड। देन द नेम ऑफ कंपाउंड विल बिकम एसिटाल्डिहाइड। नाउ हियर टोटल फोर कार्बन एटम्स आर देयर, सो आई विल कॉल इट एज अ ब्यूटिलल्डिहाइड। सिंस वी आर हैविंग CH3 at second position, then at that time this compound will become isobutyraldehyde. अगर CH3 second position पे आ रहा है हमारे पास तो फिर उसे हम बोलते हैं आइसो। टोटल कार्बन एटम 4 है तो isobutyraldehyde बोलेंगे। अभी इस केस में हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें साइक्लिक रिंग को या फिर रिंग को कार्बल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। तो एक बात याद रखनी है, ये जो कार्बन है एल्डिहाइड का ये रिंग का पार्ट नहीं है, इसका मतलब हमें उसे सेपरेटली बोलना है कार्बल्डिहाइड। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी आर हैविंग एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच टू रिंग देन सिंस द कार्बन एटम ऑफ द एल्डिहाइडिक ग्रुप कैनॉट बी काउंटेड इन द रिंग सो यू विल कॉल इट एज अ सेपरेटली एज अ कार्बल्डिहाइड। तो सबसे पहले जो कार्बोनिल कार्बन है वो रिंग के जिस कार्बन को अटैच है उसे कॉमन नेम में हम अल्फा बोलते हैं। नेक्स्ट कार्बन इज अ बीटा एंड वेरी नेक्स्ट इज अ गामा। तो अभी ये जो गामा पोजीशन पे है वो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, सो आई विल कॉल इट एज अ गामा मिथाइल। टोटल हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन ग्रुप है, सो आई विल कॉल इट एज अ साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। Now at alpha position we are having here methoxy. The carbon atom next to functional group carbon is called as alpha. At alpha I am having methoxy, so I will call it as a alpha methoxy. Total 3 carbon atoms are there, so it will be propionaldehyde. The name will become alpha methoxy propionaldehyde. Similarly here total 5 carbon atoms are there in the longest chain, so I will call it as a valer. So the name will become valeraldehyde. Since it is straight chain, so I will call it as N-valeraldehyde. Now here it has a separate name that you have to remember as acrolein. अगर विनाइलिक कार्बन को कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, टोटल 3 कार्बन एटम है, तो हम उसे एक्रोलिन बोलेंगे। अभी नेक्स्ट जो कंपाउंड है हमारे पास यहाँ पे 1-2 पोजिशन पे कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, तो अगर 1-2 पोजिशन पे कार्बोनिल ग्रुप अटैच होंगे तो उसे हम बोलेंगे थैल। ये एल्डिहाइडिक कंपाउंड है तो इसे बोलेंगे थैलाल्डिहाइड, सो आई विल कॉल इट एज अ थैलाल्डिहाइड। नाउ ये जो कंपाउंड अगर देखेंगे हम तो इसे बोलते हैं हम बेंजाल्डिहाइड, पर इस कार्बन के मेटा कार्बन पे, रिंग के मेटा कार्बन पे हमारे पास ब्रोमीन एटम अटैच है, तो हम उसे बोलेंगे मेटा ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड। सो द नेम विल बिकम मेटा ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड। सो दैट्स ऑल अबाउट द कॉमन names of aldehydes. Now we'll see the IUPAC names of the aldehyde. So now IUPAC name, you just have to remember, you are going to count the number of carbon atom in the longest chain, accordingly identify parent alkane. तभी यहाँ पे total carbon atom 1 है, तो 1 carbon वाला alkane हमारे पास होता है methane. It is called as methane. So you have to replace E of alkane by Al, so the name will become methanol. The name will become methanol. In the same way, here we are having total 2 carbon atom, 2 carbon wala alkane is name will become ethanol. Abhi is case mein hamare paas substituent hai. Agar substituent hai, to aapko longest chain select karke numbering karni padegi.
नंबरिंग हम हमेशा इसी हिसाब से करेंगे, जो कार्बोनिल कार्बन है एल्डिहाइड का उसे फर्स्ट नंबर आना चाहिए। तो ये कार्बन नंबर वन हुआ, ये टू है, ये थ्री है। टू पे मिथाइल है तो हम इसे बोलेंगे टू मिथाइल। इन लॉन्गेस्ट चेन देर आर टोटल थ्री कार्बन एटम। थ्री कार्बन वाला अल्केन इज अ प्रोपेन, रिप्लेस ई बाय एल, सो द नेम विल बिकम टू मिथाइल प्रोपेनल। इन द सेम वे अगेन इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप, सो एट दैट टाइम आई टोल्ड यू यू जस्ट हैव टू नंबर द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ रिंग इन सच अ वे दैट द कार्बन एटम विच इज अटैच टू कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड विल गेट द फर्स्ट नंबर। सो इट इज फर्स्ट, इट इज सेकंड, इट इज थर्ड। सो एट थ्री पोजिशन आई एम हैविंग मिथाइल, सो आई विल कॉल इट एज अ थ्री मिथाइल। इट इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। इन IUPAC नेम इट इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। इन द सेम वे एट दिस इज अ लॉन्गेस्ट चेन, एट टू पोजिशन आई एम हैविंग मिथॉक्सी, सो आई विल कॉल इट एज अ टू मिथॉक्सी। लॉन्गेस्ट चेन कंटेन टोटल थ्री कार्बन एटम, सो आई विल कॉल इट एज अ प्रोपेन, रिप्लेस ई बाय एल, सो इट विल बिकम टू मिथॉक्सी प्रोपेनल। नाउ इन दिस केस टोटल वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन एटम्स आर देयर, सो आइडेंटिफाई द अल्केन विच कंटेन फाइव कार्बन एटम, इट इज पेंटेन, रिप्लेस ई बाय एल, सो इट विल बिकम पेंटेनल। In the same way, this is the longest carbon chain. I told you, whenever we are having branching or substituent on the main branch, then at that time, you have to number the carbon atom present in the longest chain in a such a way that carbonyl carbon of the aldehyde will get the first priority. So, it is first, it is second, it is third. So, total three carbon atoms are there. So, I will call it as a prop. It is alkene because at 2 and 3 position, there is a double bond. Double bond start at carbon number 2. So, I will call it as a prop 2 in. Since it is aldehyde, we will replace E of alkene by Al. E of alkene by Al. So it will become prop 2 enol. Now in this case it is benzene. So no doubt, again there are two aldehyde group at 1-2 position. So I will call it as a benzene 1,2 dicarbaldehyde. Benzene 1,2 dicarbaldehyde. In the same way, here I am having ring compound where carbon number 1 which is attached to carbonyl group of the aldehyde will get the first priority. This is second, this is third. So I will call it as a, at 3 position I am having bromine, so I will call it as a 3-bromo. Then the compound is a benzaldehyde, so 3-bromo-benzaldehyde. In other word, we will call it as a 3-bromo-benzene-carbaldehyde because the carbonyl group of the carbonyl carbon of the aldehyde group won't be a part of the chain, so separately we will call it as a carbaldehyde. So that's all about the nomenclature of aldehyde. Thank you so much. Have a nice time. Take care.